वो 10 मिनट में यहां पहुंचेंगे, तो तैयार रहना, कोई गड़बड़ ना हो। बिल्कुल नहीं होगी बॉस। जाओ। इतना बड़ा बक्सा? छोटे वाले तकरीबन 100 इंच लंबे हैं और मेरे ख्याल से हर एक 450 किलो का तो होगा। 50 किलो तो सिर्फ नाखून और चोंच के होंगे, और इनके पंखों की तो बात ही कुछ और है। अद्भुत, अविश्वसनीय। नर मादा से थोड़े बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सेल भी। छोटे से पक्षी से डर गए। हार्वी, इन्हें बाड़े में इतनी जल्दी रिहा करने से पहले हमें एक बार और सोच लेना चाहिए। रुको रुको रुको, एक मिनट। तुम्हारा काम सलाह देना नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ बर्ड वॉचिंग करना, ठीक है? दोबारा सलाह मत देना। क्या आपको लगता है ये सही है? वो अंदर एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। कम से कम हमें तो चोट नहीं पहुंचा रहा है। उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें बस मेरे बच्चों की एक छोटी सी जांच करनी है कि उनका सफर ठीक तो रहा। क्या तुम जानती हो आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है? नहीं ना? नहीं। क्योंकि आज ही वो दिन है जब भूतकाल भविष्यकाल से टकराएगा ऐसे ज्ञान की तलाश में जो हमारे सिवा किसी और के पास नहीं होगा। और पता है तुम क्या बन जाओगी? क्या बनूंगी? तुम बनोगी मार्गदर्शक। एक ऐसी मार्गदर्शक जो दुनिया में लोगों को राह दिखाएगी, और लोग कहेंगे यही वो औरत है जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। क्यों, है ना शानदार? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेहोश हो गए क्या? चुप रहो बेवकूफ। हे, क्या सब सो गए? ठीक है, जाओ तुम भी उनकी मदद करो। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो इसे खोलो। आपको पक्का यकीन है? तुम्हें क्या लग रहा है, ये नाटक कर रहे हैं? ये सिर्फ मामूली से पक्षी हैं, और जानते हो ना, इनको ज्यादा दिमाग नहीं होता। ऊपर का माला खाली। मुझे लगता है तुम्हें गाड़ी में बैठना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या हाल है? सब ठीक है बॉस। चलो तो दरवाजा खोल दो। सब ठीक है बॉस। चलो आ जाओ, घसीट कर इन्हें यहां से बाहर निकालो। अब इन मरीजों का डॉक्टर से मिलने का वक्त आ ही गया है। ये अजीब है, कहीं आपने से जान से तो नहीं मारा? मुझे भी अंदर बैठ जाना चाहिए। हटो, पीछे हटो, देखना पक्षी को नुकसान न पहुंचे।
कैसे हो? फिर से जंगल में जा रहे हो? हाँ। इस बार क्या करने जा रहे हो? पक्षियों को देखने। उम्मीद है इस बार मुझे फाल्कोनिडे कारा कारा दिख जाए। फाल्गुनी करामती क्या? एक मैक्सिकन पक्षी है, किसी को उसका घोंसला दिखा था यहाँ से 4 मील उत्तर में। एक मैक्सिकन पक्षी भला अमेरिका के इस कोने में क्या कर रहा है? वो यहाँ पर हजारों सालों से रह रहे हैं, पता है? मुझे तो लग रहा है ये मेक्सिको की कोई नई चाल है, पक्षियों को यहाँ भेज दिया जासूसी करने के लिए। हो सकता है। इतना काफी होगा। ठीक है, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। शुक्रिया। उम्मीद है आपको ढेर सारे पक्षी दिखे। हाँ बिल्कुल। कॉल करूंगा, आपका दिन अच्छा गुजरे। डैड मैं बोल रही हूँ, आपकी प्यारी बेटी। मैं आपके बारे में ये सोच रही थी। मैं जानती हूँ आप अपने किसी बड़े बर्ड एडवेंचर में बिजी होंगे, पर मुझे कॉल कीजिएगा। मॉम होती तो अगले हफ्ते उनका जन्मदिन होता। मैं उनके लिए कुछ खास करना चाहती हूँ, इसलिए आपको कॉल किया था।
देखा तुमने कितने सुंदर हैं। तो क्या डॉक्टर स्लेटर अब तक कंपाउंड में हैं? अभी अभी खाना खाने आई हैं। अच्छा, ओ खाने से याद आया, मेरे बच्चे कब खाएंगे? खाना किसी भी वक्त पहुंच सकता है। पालक है इन्होंने। डॉक्टर, कोई खुशखबरी? ना, दोबारा कोशिश करनी होगी। क्या इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैंने अंडों की देखभाल के लिए तुम्हें सबसे अच्छी मशीन दी है। बात मशीनों की नहीं है, दो अंडे संक्रमित थे पिछली बार की तरह। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सुना है ना? लेकिन इस बार संक्रमण क्यों हुआ? मुझे लगता है मिट्टी की वजह से। मिट्टी? जब तक तुम्हारे आदमी उनका गोबर उठाकर मेरे पास लाते हैं, कीटाणु उससे पहले ही उसे संक्रमित कर चुके होते हैं। देखो, तुम भी जानती हो इन पक्षियों की यहाँ पर एक बड़ी आबादी हुआ करती थी। पृथ्वी की मिट्टी अब वैसी नहीं रही जैसी 25 लाख साल पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है अगर बेहतर नतीजे चाहिए तो इन्हें उन्हीं टापुओं पर पालो जिन टापुओं पर ये आपको मिले थे। हाँ, पर इससे कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए रखा है क्योंकि तुम अपना काम जानती हो, ठीक है? तो अगर मिट्टी में कोई फेरबदल करनी है तो जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि मैं 6 महीनों से तुम्हारी यही बकवास सुन रहा हूँ। जब तक आपके लोग उस पक्षी का गोबर जमीन पर गिरने से पहले अपने दोनों हाथों में नहीं उठा लेते, मुझे नहीं पता आप मुझसे रातों रात इसका हल निकालने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये क्या चीज है? मुझे मछलियों का शिकार करना है। मछलियाँ? जी हाँ, इनमें से एक जलाकर पानी में डाल दो, सारी मछलियाँ पानी के ऊपर आ जाती है, फिर खेल खत्म। तुम्हारे पैसे। अगली बार जब आना तो ऐसी चीजों को घर पे ही रख के आना। ये क्या है, किसी का पालतू कुत्ता लग रहा है। एक अमीर घर का कुत्ता इतनी फूटी किस्मत लगे कैसे पैदा हुआ? ये ज्यादा बहुत मार, तू अंदर ही सड़ेगा। चलो चलो, बचाओ बचाओ, गेट के पास आओ, जल्दी 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 गेट तक पहुंचो, जल्दी, बाड़े को छूना मत, इसमें बिजली है। जल्दी रुके रहो, जल्दी करो, कोशिश करो, बाहर निकालो, मत बचाओ, मुझे करने दो। इसका कॉम्बिनेशन नया है, उसे बाहर निकालो। कुछ करते क्यों नहीं? तेरी बंदूक कहाँ है? बंदूक गाड़ी में है, तो जाके लेके आओ। किसे फोन कर रही हो? अपने डैड को, वो फिर से जंगल में पक्षियों को देखने गए हैं। किसी प्रतियोगिता के लिए उन्हें फोटोज लेनी है। प्रतियोगिता के लिए फोटो? मुझे लगा था वो एक बार तो फोन करेंगे। देखो, तुम्हारे डैड को एक गर्लफ्रेंड की बहुत जरूरत है, उन्हें अकेले रहना पसंद है। जानती हो, तुम भी अपने डैड पर गई हो। तुम दोनों में से किसी को भी ये कैसे पता नहीं चला कि कोई बेवकूफ वहाँ घुस आया है? किसी ने भी उसे अंदर जाते हुए क्यों नहीं देखा, ये मेरी समझ में नहीं आता। वो किसी भी कैमरे में नहीं आया, पता नहीं कैसे बिजली वाले भाड़े को पार कर अंदर आ गया। हालांकि बिजली ना हो तो कोई भी अंदर आ सकता है। जरूर पूर्वी दिशा से आया होगा, जो इलाका नदी के पास है। पक्षी वहाँ कभी नहीं जाते, घने जंगल से ढका हुआ इलाका है, पेड़ पे चढ़ के आया होगा। हाँ पता है ना, पक्षी ज्यादातर पश्चिमी भागों में आते हैं और बड़े पक्षी भी वहीं खाने। वो सब छोड़ो, कोई अंदर आया
जैसे भी अंदर आया हो और हमें उस आदमी की लाश मिलती है, अब तुम ही बताओ हम उस लाश के साथ क्या करें। मुझे उसकी गाड़ी मिली, कार क्रैश में मर गया ऐसा दिखा दें क्या? वाह, ये तो कमाल की बात है। उसकी बची खुची हड्डियों के ढांचे को लेते हैं और उसे ड्राइवर सीट पर रख देते हैं। तो फिर अब हम क्या करें? चुप रहो ताकि मैं सोच सकूं। इसमें सोचने वाली बात क्या है हार्वी? पर्दाफाश हो चुका है, एक और आदमी मारा गया, और मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई भागा हुआ कैदी होगा जिसकी किसी को कोई परवाह ना हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरा काम बंद करवा देंगे और पक्षियों को ले जाएंगे, और पता नहीं उनके साथ क्या करेंगे। उन पक्षियों को मैंने ढूंढा था, वो मेरे हैं और वो खतरनाक हैं। हार्वी, वो खतरनाक हैं। पुलिस को कुछ भी बताने की क्या जरूरत है? उन्हें वैसे भी लगता है हम यहाँ जंगली बिल्लियाँ पालते हैं। तो हम कह देंगे कि किसी टाइगर ने हमला किया उस पर। नहीं, 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 नहीं। जब एक जानवर इंसान की जान लेता है तो चीजें बदल जाती हैं। ये जो भी तुम कह रहे हो इतना करना काफी नहीं होगा। वो यहाँ जांच पड़ताल करने आएंगे, फिर वो जानवरों को देखना चाहेंगे, इसलिए हम किसी से कुछ नहीं कहने वाले। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? वो आदमी शादीशुदा हो सकता है, उसका परिवार हो सकता है, हो सकता है उसके बच्चे हों। तुम किसी की मौत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत है। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और जरा पक्षियों के बारे में तो सोचो, एक बार पक्षियों के बारे में सोच कर देखो, अगर वो सरकार के हाथ में लग गए तो क्या होगा? वो उनके साथ क्या करेंगे? उनके अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं। अब क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम एक प्रजाति को विलुप्त होने से बचाएं? बात पक्षियों की नहीं है हार्वी, दरअसल बात कभी भी पक्षियों की थी ही नहीं, तुम्हें पता है। तुम और तुम्हारा वो महान बकवास अनुसंधान, तुम अपने घमंड और लालच में इंसानियत भूल चुके हो हार्वी। हम सब जानते हैं तुम पैसों से प्यार करते हो, और जब सारे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे तुम वही करोगे जिसमें तुम माहिर हो। सारी वाहवाही खुद लूट लोगे और उनको बेच दोगे जहाँ से तुम्हें फायदा होगा। क्या कर रहे हो तुम? यहाँ से इस तरह जा नहीं सकती क्योंकि तुम मेरे लिए काम करती हो, और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। बाहर में जाओ तुम, मैं जा रही हूँ। छोड़ो छोड़ो मुझे, अपने इस चमचे से कहो मुझे जाने दे। मैंने तुम्हें हर वो चीज दी जो तुमने मांगी, मैंने तुम्हें एक आलीशान घर दिलवाया, हर चीज जो तुमने मांगी मैंने तुम्हें दी। ठीक है, डॉक्टर स्लेटर की गाड़ी निकालो ताकि वो यहां से जा सके। मेरी कार कहाँ है डेल? बस यही बाहर खड़ी है। हाँ, मेरी चाबी दे, दे दो मुझे। क्या कर रहे हो डेल? चाबी दो मुझे, मेरा सारा सामान तैयार है, सुबह उसे मेरे घर पर पहुंचा देना। जा रही है, बुरा लग रहा है। मुझे भी।
ठीक है, उन्हें बेहोश करके अंदर डालो। उठाइए भी। ये लो, तुम्हारी फेवरेट हॉट चॉकलेट, इससे तुम्हारा मूड जरूर ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। तुम्हारे डैड की कोई खबर आई या नहीं? देखो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि वो किसी पहाड़ के ऊपर पक्षियों की तस्वीरें लेने चले गए होंगे। देखना वो जल्दी आ जाएंगे। आज शुक्रवार है, उन्होंने कहा था वो मंगलवार तक वापस आ जाएंगे। तो अब तुम क्या करोगी? मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। पर ये बताओ कि तुम अपने डैड को आखिर ढूंढोगी कैसे? मेरे डैड हमेशा अपने पास एक जीपीएस ट्रैकर रखते हैं। मॉम ने उन्हें 2 साल पहले दिया था, उन्होंने वादा किया था वो उसे हमेशा अपने पास रखेंगे। उसका रिसीवर जंगल में उनके कैबिन में है, तो मैं वहीं जाऊंगी। मैरी, तुम अकेले उस जंगल में नहीं जा सकती, ये खतरनाक हो सकता है। पेज, मैं जा रही हूँ, बहस मत करो। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पेज, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगी। जस्टिन, मैं पेज बोल रही हूँ। क्या कर रही हो? तो मैडी को एक छोटी सी मदद चाहिए। अच्छा सुनो, तुम्हारा वो दोस्त है ना, वो बॉडी बिल्डर जिसे जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता है, ब्रेट? हाँ, मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है। मुझे नहीं चाहिए। मैडी के डैड लापता हैं। वो जंगल में गए थे और किसी ने पिछले हफ्ते से उन्हें देखा नहीं, तो। अच्छा, सच में? फिर तो बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, तुम आ सकते हो, मैडी को खुशी होगी। हाँ बस तैयारी ही कर रहे हैं, तुम्हें बताती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैडी को खुशी होगी? क्योंकि मैडी को नहीं हो रही। क्या हम दोनों उसी मैडी की बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस मैडी को मैं जानती हूँ वो अपने जिगरी दोस्त जस्टिन के प्यार में पागल है। फिर उसने गर्लफ्रेंड बना ली। पता नहीं कितनी बार एक ही बात दोहरानी पड़ेगी। जस्टिन ने उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए, ये बात समझ रही हो तुम? वो तुम थी जिसने उसे छोड़ दिया। पेज, अपने डैड को लेकर मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए, तो उसे कॉल करो और कहो कि आने की कोई जरूरत नहीं है। मैडी, अब तुम मुझे एक बात बताओ, पहले एक हाइकर हमारे साथ होगा तो तुम्हारे डैड को ढूंढने में आसानी होगी ना? वैसे भी तुम खुद ही कह रही थी ना कि तुम्हारे डैड किसी भी हद तक जा सकते हैं पंछियों की अजीबोगरीब तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए। ठीक है, मैं भी तैयारी कर लेती हूँ। लगता है तुम लोगों की किस्मत अचानक चमक गई है दोस्तों। लगता है कि आज पक्षियों को कुछ बेहतरीन खाने को मिलेगा। सुना था कि डॉगियों के दिन फिरते हैं, लेकिन आज तो पक्षियों के फिर गए भैया। ले जाओ इन्हें यहाँ से। कैसे हो दोस्तों? मुझे नहीं पता था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आएगा। तुम लोग कैसे हो? शुक्रिया दोस्तों, पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। पागल हो क्या? उल्टा मुझे बुरा लगता अगर तुम मुझे नहीं बुलाती। और वैसे भी देखो, छुट्टियां चल रही हैं और हमारे पास कुछ बेहतर करने को था भी नहीं। ओ हाँ, करने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। हम घर बैठ के चिप्स खाते, टीवी देखते और क्या। तुम लोगों के साथ जाएंगे तो मजा आएगा, क्या कहती हो? शुक्रिया जस्टिन और ब्रेट। टेलर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, 2 लड़कियां मेरे बॉयफ्रेंड के साथ और वो भी अकेले जंगल में, मुझे तो आना ही था। ठीक है, माफ करना, खिड़की के पास बैठने से मुझे उल्टियां आती हैं, तो मैंने सोचा बीच में बैठ जाऊं। सफर अच्छा है। तो ठीक है, चलो चले।
टैंक फुल कर दे। एक काम करता हूँ ना, तूने जो ये फटीचा नोट दिया है उसके लिए तेरी ही बाइक से पेट्रोल निकाल देता हूँ। ठंड रख बेवकूफ। मदद कर सकते हैं? जरा सुनेंगे? बता सकते हैं कि वॉशरूम कहाँ है? ये कितनी बदबूदार जगह है। सुनिए जरा, क्या आप मुझे मेरे डैड के बारे में बता सकते हैं? मुझे नहीं पता उन्हें जानते हैं या नहीं। वो एक पुरानी सी जीप चलाते हैं और नदी के पास उनका एक कैबिन है। हाँ, जानता हूँ। वो यहाँ पिछले हफ्ते ही आए थे। जंगल में जा रहे थे किसी अजीब से पक्षी की तलाश में। मैक्सिकन बार कूड़ा था शायद। पर वो वापस नहीं आए हैं ना? मैंने तो नहीं देखा। वैसे भी वापस जाते वक्त यहाँ नहीं रुकते थे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। मेरे सामने से हट जाओ। अपना नाम तो बताओ। अच्छा, तो तुम खेलना चाहते हो? ठीक है, अब जबकि हम दोनों यहाँ अकेले हैं तो मैं तुम्हें अपना नाम बता देती हूँ, और वो है। मेरे साथ दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। हटो मेरे रास्ते से। क्या तुम ठीक हो? नहीं जस्टिन, और तब तक ठीक नहीं रहूंगी जब तक मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आएगा, समझे तुम? क्या करूं मैं इसका? क्या तुमने उन लोगों की बात सुनी? पता है ना वो किसकी बात कर रहे थे? क्या हो गया तुम्हें? मेरे बच्चे को ये क्या हो गया? यहाँ रख दे। दरअसल बोल रहा हूँ। अभी तुम हो वहां पर? क्या हुआ? एक मुसीबत शायद हमारी तरफ आ रही है। हमारे पक्षियों ने जिसे नाश्ते में खाया है उसकी बेटी और कुछ दोस्त उसे यहाँ ढूंढने आ रहे हैं। वो उन्हें पता है वो कहाँ था? नहीं, वो यहाँ पेट्रोल पंप वाले बुढ़ाऊ से पूछताछ कर रहे थे, और बुढ़ाऊ तो मंद ही है। हुआ। वैसे लोगों का जंगल में खो जाना एक आम बात है। समझ गए, हम वापस आ रहे हैं। और हाँ, मेरा सामान लेकर ही लौटना। हाँ हाँ, सब ले लिया। ओवर एंड आउट। जानते हो वो लोग कहाँ गए? मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, और अगर पता भी होता तो तुम्हें नहीं बताता। ओह नहीं नहीं, उस लड़की का फोन अंदर ही रह गया तो मैंने सोचा कि जाकर फोन वापस लौटा दूं। पूरब की ओर गए हैं।
चलो जल्दी जाओ। यहाँ से सीधे चलना है, केविन आगे ही है। वापस नहीं आए हैं, उनकी जीप यहीं खड़ी है। ये क्या है, ये कौन सी जगह लेकर आई हो तुम हमें? देखो वो वहां पर है। लेकिन ट्रकर हिल क्यों नहीं रहा? शायद तुम्हारे डैड सो गए होंगे। क्या, मैं होती तो यही करती। मैडी, वो पक्षियों की तस्वीरें लेने गए हैं और मेरे ख्याल से उस वक्त काफी शांत रहना पड़ता है ताकि वो डरे ना। ये जगह यहाँ से कितनी दूर होगी, कुछ पता है? मैं ठीक से नहीं कह सकती, पर यही कोई 7-8 मील होगी। ठीक है, तो पहले वहीं जाएंगे, हमें उस जगह का नक्शा चाहिए होगा। अगर वो कहीं गिर गए हों या उन्हें चोट लग गई हो तो हमें उनके लिए एक फर्स्ट एड किट ले जानी चाहिए, है ना? हाँ, शायद बेडरूम में बेड के नीचे एक किट है। टेलर, क्या तुम वो लेकर आओगी? हो गए काउंटी, यही है। देखो लगता है क्या बात है, तुमने जगह ढूंढ ली। ये तो काफी वीरान जगह लग रही है। डैड को ऐसी जगह पसंद आती है। यहाँ ऐसे पक्षी दिखते हैं जिन्हें किसी ने ना देखा हो। सुनो जरा, यहाँ देखो, वो ट्रैकर का निशान धीरे धीरे गायब हो रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं। तुम अपना बैग साफ क्यों ले चल रहे हो? कुदरत का कोई भरोसा नहीं होता, इसीलिए तैयारी के साथ जाना बेहतर होगा। वरना क्या पता नहीं, अगर कहीं रुकने की जरूरत पड़ गई तो। रुकने की? इन सब के बजाय हम पुलिस को क्यों नहीं फोन करते? वो ये काम हमसे बेहतर जानते हैं, उन्हें इसका अनुभव है। हम तो बस जंगल में चलते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा? 48 घंटे इंतजार करवाएंगे और उसके बाद कुछ सोचेंगे? कोई फायदा नहीं, डैड एक हफ्ते से गायब है, मुझसे और इंतजार नहीं होगा। सुनो, ऐसा सोचो कि तुम घर का सामान खरीदने के लिए बाहर घूमने आई हो। देखो यहाँ एक रास्ता है। मैडी सुनो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अच्छा देखो, हमें जीपीएस की लोकेशन मिल गई है और मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, घबराओ मत। और अगर वो वहां नहीं हुए? सब ठीक होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कैंपिंग का शौक? ज्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हारा वो 1.5 फुटिया दोस्त है ना फिल, पता है वो मेरे साथ कॉफी हाउस में काम करता है। वो अक्सर मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता रहता है, तुम्हारे सारे राज भी। अच्छा, नहीं मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे फिल से कोई परेशानी है, बस मुझे पता नहीं, वो थोड़ा अजीब लगता था, वो बहुत ज्यादा चिपकू था। पता है, और ये भी कि तुम बिना कपड़ों के सोते हो। उसने तुम्हें ये भी बता दिया? हाँ। तो क्या फिल मुझे पसंद करता था? उतना ही जितनी मुझे लड़कियां पसंद है। हाँ। वैसे तुम जो रात भर अपने कंप्यूटर पर देखते रहते हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है, तो सब बेकार। सुनो दोस्तों, हमें आराम कर लेना चाहिए। तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया?
मैं शायद डैड को लेकर थोड़ा परेशान नहीं, नहीं मैं आज सुबह की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब तुम पिछले कुछ महीनों से मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही, और जब भी मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ तो तुम अजनबी की तरह एक शब्द में जवाब देती हो, जैसे हाँ नहीं ठीक है चलेगा, जैसे मुझसे बात करना तुम्हारे लिए एक बोझ बन गया। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा बिजी थी बायोलॉजी की पढ़ाई में। हाँ तुम झूठ बोल रही हो और तुम ये जानती हो। मैं शायद ही किसी को जानता हूँ जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो। मुझे याद है तुम कॉलेज के पहले साल में अपने असाइनमेंट सबसे पहले खत्म कर लिया करती थी जब हम साथ में पढ़ा करते थे। हाँ पर तब बात और थी, तब पढ़ाई का बोझ इतना नहीं था, पर अब मैं काफी बिजी हूँ इसलिए बात नहीं हो पाती। ठीक है पर मैं तुम्हारा झूठ पकड़ सकता हूँ, जैसे तुम अभी झूठ बोल रही हो। मैं नहीं बोल रही। बिल्कुल बोल रही हो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसी उस रात थी जब हम बिना टिकट लिए पिक्चर देखने चले गए थे और उस गार्ड ने हमें पकड़ा था। उस बदबूदार मुंह वाले गार्ड ने पास आकर कहा था, जरा तुम दोनों अपनी टिकट्स तो दिखाओ। याद है मैंने झूठ नहीं बोला था, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बोला था, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर हंसी नहीं रोक पा रहा था। तुम्हें तब भी झूठ बोलना नहीं आता था और आज भी झूठ बोलना नहीं आता। अगर तुम्हें झूठ बोलना आता तो शायद हम उस दिन पिक्चर देख रहे होते। अब बस भी करो, बिना टिकट लिए मूवी देखने जाना गलत बात है, हमें फाइन लग सकता था। पर गार्ड के मुंह से बदबू आ रही थी। जानती हो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, तो अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना। जस्टिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, बस हम पुराने दिनों को याद कर रहे थे। कॉलेज का आखिरी साल याद है? उसी साल मुझे होमकमिंग क्वीन बनाया गया था और इक्वेस्ट्रियन टीम का कैप्टन भी। याद है तुम्हें वो साल कितना अच्छा था? लगता है किसी को तो इस जंगल में मजा आने लगा है। हाँ मैं बहुत देर से जंगल में सेल्फी लेकर पोस्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो हो गई। मुझे लगता है यहीं आसपास कहीं मोबाइल का टावर होगा, क्या हम साथ में एक सेल्फी लें? मजे करो। अब इसे क्या हो गया? पता नहीं, चलो हम सेल्फी लेते हैं। ठीक है, हम दोनों हमेशा साथ में अच्छे दिखते हैं। ब्रिज कहाँ है? यहाँ नहीं है। तो हम इसे पार कैसे करेंगे? सच में ब्रिज, ये स्विमिंग पूल नहीं है, इस पानी में मगरमच्छ भी हो सकते हैं। लोग दरअसल ये नहीं जानते कि मगरमच्छ उन शिकार पर हमला नहीं करते जिन्हें वो निकल नहीं सकते। अच्छा और ये तुमसे किसने कहा, मगरमच्छ के छोटे से बच्चे ने या खुद बड़े मगरमच्छ ने? वैसे ब्रिज इसने बिल्कुल सही कहा, इसे अच्छे से पता होगा कि जानवर किस पर कब हमला करते हैं। तुम तो शिकार में माहिर हो, है ना टेलर? तो मजाक तो करती हो पर हंसी नहीं आती। ये क्या? ये डैड की घड़ी है, उन्होंने जरूर इस नदी को पार किया होगा इसलिए ये घड़ी यहाँ पर रह गई। देखो मुझे माफ कर दो जस्टिन पर मैं इस पानी में नहीं जा रही। ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुक के इन हसीन नजारों का मजा ले सकती हो। तुम अपना मुंह उधर करो। कैसे जाओगी? टहनी थी? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं,
पिछली बार मेरे साथ किसी ने ऐसा तब किया था जब मैं प्रॉम नाइट के वक्त टॉमी की गाड़ी में थी। कपड़े सूख गए हैं, सब कपड़े पहन लो, धूप बहुत तेज है। किसी को अजीब नहीं लग रहा है कि यहाँ सीढ़ियाँ हैं? ये किसी का फार्म हाउस हो सकता है। देखो, फार्म हाउस हो या ना हो, मुझे पूरी रात इस घने जंगल में नहीं बितानी है। अभी और कितनी दूर जाना है? थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। जीपीएस भी वही जगह दिखा रहा था। हाँ, हमें उनका नाम पुकारना चाहिए, आसपास होंगे तो शायद हमें सुन ले। कीत, उनका नाम कीत है। कीत! कीत! डैड! कीत! डैड! कीत! कीत! मैडी के डैड! मैडी के डैड! कीत! कीत! मैडी के डैड! कीत! मैं तो कमाल हूँ। लगता है हम रास्ता भटक गए नहीं, हैं। हम सही हैं। मैप के मुताबिक ट्रैकिंग सिग्नल यहाँ से तकरीबन 200 गज उत्तर की तरफ था, मतलब इस निशान के आगे। पर वो भला यहाँ तक पहुँचे कैसे होंगे? शायद वो यहाँ रहने वाले लोगों को जानते हों और खाना खाने के लिए रुक गए हों। मुझे तो ये किसी किस्म की गुप्त सरकारी जगह लग रही है। मेरे डैड किसी सरकारी जगह क्यों आएंगे? क्या पता, शायद वो सेना की मदद कर रहे हो किसी तरह का कोई खतरनाक जैविक हथियार बनाने में। देखो, मनगढ़ंत कहानियाँ बनानी बंद करो, आगे चलो। वैसे भी बहुत देर हो गई है, अंधेरा हो जाएगा। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, शायद किसी से बात हो सके। देखो, अगर वापस जाना है तो अभी जाना होगा, वरना अंधेरा हो जाएगा। हम ये रास्ता लेंगे ताकि हमें जंगल में दोबारा ना जाना पड़े। अंधेरा हुआ तो क्या करेंगे? हमारे पास टॉर्च है। देखो, शायद कोई गार्ड खड़ा है वहाँ पर। जरा सुनिए, हमारी मदद कीजिए। अरे आराम से, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम बस किसी को ढूंढ रहे हैं। ये निजी संपत्ति है, आना मना है। रुकिए एक मिनट, मुझे लगता है कि शायद मेरे डैड यहाँ हैं। क्या कहा? मेरे डैड, वो यहीं कहीं अंदर हैं। यहाँ हर वक्त एक गार्ड तैनात रहता है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है। पर हमें पता है कि वो यही है। मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या तुम लोगों ने नशा किया है? नहीं नहीं सर, हम सब बिल्कुल ठीक है। हम बस अपने दोस्त के डैड को ढूंढने आए हैं। उनके पास एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस था, और वो डिवाइस वहाँ कहीं अंदर है, तो हमें लगता है इसके डैड भी अंदर होंगे। हमें उन्हें अंदर ढूंढने दीजिए प्लीज, हम कुछ नहीं चुराएंगे, आप हमारे साथ अंदर चल सकते हैं। अच्छा रुको, मैं बात करता हूँ। सलीवन, बोलो। ये बोल रहा हूँ। जानता हूँ, बाहर कुछ बच्चे हैं, उनमें से एक लड़की का कहना है कि उसके डैड यहीं कहीं अंदर हैं। ठीक है, हम उन्हें अंदर आने देते हैं, उनकी परेशानियाँ दूर करेंगे। 5 लोग हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें अंदर लेकर आऊँ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बस मेन रोड से अंदर आने दो। उनसे कहना बाहर बाड़े पर मेरा इंतजार करें। शुक्रिया। मुझे यहाँ कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा कि ये लोग हमें उनकी संपत्ति पर इस तरह टहलने दे रहे बिना किसी निगरानी के? ये जगह जरूर किसी अमीर आदमी की होगी, हो सकता है पेड़ पर सिक्योरिटी कैमरे भी लगे हों। हाँ, और वो बिजली के तार, याद है तुम्हें, जो इस इलाके के चारों तरफ फैले हुए। अगर हम चाहे भी तो कुछ यहाँ से चुरा कर भाग नहीं सकते। हाँ देखो, यही बात तो अजीब लग रही है। ऐसे लोगों को अपनी चीजों से बहुत प्यार होता है। हाँ, पर भला कोई इंसान इतने घने जंगल में इतनी दूर आकर क्यों रहना चाहेगा?
आखिरकार टेलर कुछ तो बोले और वो भी सही। शुक्रिया। तुम्हें क्या लगता है अंदर क्या होगा? शायद घोड़े होंगे। इतने ऊंचे बड़े घोड़े के लिए? जरूरी नहीं है घोड़ा ही हो, शुतुरमुर्ग या दरियाई घोड़ा भी हो सकता है। दोस्तों नक्शे के मुताबिक जीपीएस डिवाइस वहीं अंदर ही होना चाहिए। क्या हम लौटकर थोड़ी देर के लिए मैटी के केबिन में जाकर नहा नहीं सकते और उसके बाद कल हम यहाँ दोबारा वापस आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं? टेलर देखो, हम इतनी दूर आके ऐसे वापस नहीं जा सकते, हम इन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। जस्टिन, क्या मेरे माथे पर लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ और मुझे बेवजह मरने का शौक है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इससे आगे नहीं जाने वाली। टेलर, मैं पिछले हफ्ते भी तुमसे इसी रवैये को बदलने की बात कर रहा था, कभी कभी तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। जस्टिन रुको, शायद टेलर सही कह रही है, शायद हमें कल सुबह वापस आना चाहिए। तुमने वैसे भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अंधेरा भी होने वाला है, तो ये क्या? टेलर, 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 उठो, टेलर उठो। चलो यहाँ से। क्या हुआ? हमें कैबिन के पास एक और लड़का मिला, जमीन पर लाश की तरह फैला हुआ था और सर पे एक चोट का निशान था। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो भी इनका दोस्त है? कह नहीं सकते, ये पीछे गैस स्टेशन पर भी दिखा था, ऐसा लगा नहीं उनका दोस्त है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और गाड़ी का क्या हुआ? हमने उसे ठिकाने लगा दिया। ठीक है, गाड़ियों के बारे में हम बाद में सोचते हैं, पहले इन बच्चों को बाड़े में डालते हैं और उस नए लड़के को उनके साथ डालने से पहले बेहोश कर देना। ठीक है, मुझे दवा लानी पड़ेगी, मेरे खत्म हो गई। मेरे पास तो बहुत है। देखो कहीं वो भाग न पाए। चिंता नहीं बॉस, अब देखिए। मुझे ये काम बहुत पसंद है। अब इसकी आदत मत लगा लेना टेल, हम हत्यारे नहीं हैं, ये हमारी मजबूरी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सर पे हथौड़ा मारा हो। बेहोशी की दवा के बाद ऐसा ही लगता है। क्या मतलब, हम पर हमला हुआ था? और ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि तुम्हें चोट लगी है बेअकल। कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्होंने हमें बेहोश करके छोड़ा क्यों? हाँ, और हम आखिर है कहाँ? हम नदी के पास हैं। मुझे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो लोग आखिर थे कौन? एक मिनट, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? तुम सबसे पहले बेहोश हो गई थी इसलिए उन्हें देख नहीं पाई। वहाँ दो आदमी थे जिन्होंने हम पर हमला किया। और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं अपनी बाइक पर था, सड़क के किनारे रुका था, उसके बाद याद नहीं। अच्छा, और तुम वहाँ सड़क के किनारे कर क्या रहे थे? पानी ज्यादा पी लिया था। तुम बेवकूफ हो। लड़ना बंद करो, हमें कुछ सोचना होगा। अच्छा, क्या तुम्हें याद है कि वो लोग
क्या बातें कर रहे थे? मैडी क्या हुआ? मैडी दोस्तों, शायद ये मेरे डैड के पैरों के निशान हैं। एक मिनट, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड बाड़े की दूसरी तरफ हैं। हाँ, और शायद अब हम भी वहीं हैं। एक मिनट, बाड़ा, तुम लोग किस बाड़े की बात कर रहे हो? पता नहीं, किसी किस्म के बिजली के तार लगाए हुए थे जंगल में, तकरीबन 8 फुट ऊंचे। लेकिन उस बाड़े में है क्या? वो क्या था? शायद कोई पक्षी है। डायनासोर जैसी आवाज वाला पक्षी? दोस्तों जरा ये तो देखो, शायद यहाँ शुतुरमुर्गों को पाला जाता हो। नहीं नहीं, मैंने आज तक शुतुरमुर्ग के इतने बड़े पैर कभी नहीं देखे। मैडी तुम कहाँ जा रही हो? मैं डैड को ढूंढने जा रही हूँ, उस दिशा में जहाँ उस बड़े पंछी के पैरों के निशान है। वाह क्या बात है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे डैड को ढूंढना है। मैडी मत जाओ, बेवकूफी मत करो, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, पुलिस को बताना होगा ताकि वो तुम्हारे डैड को ढूंढ सके। मैडी तुम्हारे डैड की मदद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? मुझे लगता है हम सबको शायद इस तरफ चल के देखना चाहिए। शांत हो जाओ, कोई हलचल मत करना, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, और कुछ भी हो जाए आवाज मत करना। अगर इस तरह खुले में रहे तो हम पर हमला हो सकता है। हाँ, पर अगर हम उन पर चारों तरफ से नजर रखेंगे तो वो हम पर छिपकर हमला नहीं कर पाएंगे। तुम लोग यही रहो, मैं तो जा रहा हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैडी तुम क्या कर रही हो? शायद इसकी जरूरत पड़े। आखिर ये चीज है क्या? सब लोग पीछे हो जाओ, आवाज मत करना। चलो सब निकलो यहां से।
मैडी, क्या तुम ठीक हो? मुझे अपना पैर दिखा, देखने तो कहां चोट लगी है। ये तो ज्यादा लगी है क्या? नहीं नहीं, चिंता मत करो, ज्यादा नहीं लगी है। हमें इस पे जल्द ही दवाई लगानी होगी। तुम ऐसा करो, अपने डैड के बैग में चेक करो, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। अब हम क्या करने वाले हैं? दोस्तों, कुछ सोचा तुमने? मुझे थोड़ा वक्त दो। मैडी, तुम ठीक तो हो ना? इसका पैर जख्मी हो गया है। हाँ, और मेरे सर में दर्द हो रहा है। टेलर, देखो नेटवर्क आया क्या? ये तो तुम्हारे डैड का चाकू है। ये मैंने ही दिया था उन्हें पिछले क्रिसमस पर, मॉम के गुजरने के कुछ दिन बाद ही। उन्हें ऐसी चीजें पसंद ही नहीं थी। काश उनके पास भी एक चाकू होता जब वो डूब रही थी, तब शायद वो अपनी सीट बेल्ट काट कर बाहर आ जाती। मैडी सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। हम हिम्मत नहीं हार सकते, ठीक है? समझ गई। क्या वो चल पाएगी? हाँ, लगता है चल सकती है। पर मैं कहीं नहीं जाने वाली जब तक वो चीज यहाँ बाहर घूम रही है। और क्या पता इस इलाके में ऐसे 15-20 पक्षी हो। और आखिर वो पक्षी है क्या? क्योंकि शतुरमुर्ग तो ऐसे नहीं होते, और डोडोस तो विलुप्त हो चुके हैं। वो डोडोस नहीं है तो ये पक्षी आखिर है क्या? मुझे लगता है उन्हें टेरर बर्ड्स कहते हैं। टेरर बर्ड? इतना छोटा सा नाम, उसका नाम तो नानी याद दिलाकर पेड़ पर चढ़ा देने वाला पंछी होना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, इन्हें शायद कहते हैं टेरर बर्ड्स या टाइटेनस। मेरे डैड इस धरती पर रहने वाले हर एक प्राणी के बारे में जानते थे। जब मैं छोटी थी वो सिर्फ इन्हीं की बातें करते थे। ये तो हजारों साल पहले खत्म हो गए थे। लगता तो नहीं है, शायद ये जेनेटिक क्लोन्स हो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। क्या फर्क पड़ता है, वो असली है और वो बहुत जल्दी हमारा कबाब बनाकर हमें निगल जाने वाले हैं। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? अगर हमें वहाँ कोई ऊंचा पेड़ मिल जाए तो हम उन तारों के ऊपर से आसानी से निकल सकते हैं, क्या कहते हो? पर वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? हमें चारा चाहिए होगा। पर किस तरह का चारा? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि जिन लोगों ने हमें यहाँ पे छोड़ा वो हमें पूरा दिन पेड़ पर ऐसे बैठने देंगे? हमारे पास मैडी के डैड का पानी है और इस पेड़ पर बहुत सारे फल भी हैं। तो देखते हैं पहली चाल कौन चलता है। बच्चे पेड़ पर हैं और पक्षी जमीन पर, मजेदार है ना? हाँ, बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें? अब जाओ और उन्हें पेड़ों से नीचे उतारो। और ये हम कैसे करेंगे? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाओ, निशाना लगाओ, उन्हें बेहोश करो, जो करना पड़े करो। मेरे पक्षी भूखे हैं, जाओ काम पर लग जाओ। मतलब हम दोनों वहां जाएं, उस बाड़े के अंदर? बिल्कुल। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊं? जाओ जाओ जल्दी जाओ। लगता है वो पक्षी वापस आ गए हैं। शायद वो बाएं वाला पेड़ के पीछे भागा था। हाँ, शायद वही था। ए सुन, भद्दे से दिखने वाले बेअकल राक्षस, सुनाई दे रहा है? तुझसे ही बोल रही हूँ। तू बहुत बदसूरत है, तू दिमाग से पैदल है, तू है बेवकूफ। हाँ हाँ, तू बेवकूफ है। टेलर, तुम्हें उसे इस तरह छेड़ना नहीं चाहिए। रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए पक्षी राजा जी, कहीं आपको बुरा तो नहीं लग गया? तो एक दूसरे की मदद कर रहे हो? चलो अब बहुत हुआ, चुपचाप तुम सब नीचे उतर आओ। जैस्मिन, अब हम क्या करेंगे? उनके पास बंदूक है, हम आखिर कर भी कह सकते हैं। जल्दी करो। आराम से, जल्दी करो।
लाओ बैग मुझे दे दो स्वीरी। तुम हमसे चाहते क्या हो? हम तो तुम्हें उन पक्षियों का खाना समझ रहे थे। तुम लोग जरा शातिर निकले, तुम लोग मतलब जितने बचे हो वो जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा ही टिक गए हैं। हाँ, इसका बाप तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाया। हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि हमारे दोस्तों पर भालू ने हमला किया। ओ, ये तुमने जो भी कहा कल उसकी प्रैक्टिस कर रही थी ना? पक्का तुम क्लास में फर्स्ट आती होगी, पढ़ाई में अगर नहीं भी आई तो डांस में तो आती ही होगी। भाड़ में जा मन बुद्धि बेवकूफ इंसान। अब हम सिर्फ 3 तक गिनने वाले हैं, अगर तब तक तुम लोग जंगल की ओर नहीं गए तो इसकी गोली तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगी। आई बात समझ में? 1 2 नहीं नहीं, किसी काम के नहीं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। सब बैठ गए, चलो निकलते हैं। वो तो भाग गए। तुमने उन्हें भागने दिया और उनके साथ मेरे पक्षी भी भाग गए क्योंकि तुमने उन्हें चाबियां दे दी। पर उन पक्षियों को बाड़े में वापस लेकर कौन जाएगा? जब वो खाना खा लेंगे तुम अपनी डार्ट गन लेकर जाओगे और इस बार निशाना चूकना मत। रसल मर गया है। हाँ जानता हूँ, उन पक्षियों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जानता हूँ, मैं स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। अब कान खोलकर सुनो, मैं लेबोरेटरी जा रहा हूँ जहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा। तुम यहीं रुको और बाहर रास्ते पर नजर रखो ताकि पक्षी घर के अंदर ना आए, समझ गए? पर आपको नहीं लगता कि चाहो तो बाहर जाओ और उनका नाश्ता बन जाओ। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। आ गए अकल ठिकाने। अब हम इसके बाहर कैसे निकलेंगे? हमारे पास चाबी है। लगता है आज हमारी किस्मत अच्छी है। उस बाड़े के लिए भी कोई चाबी होगी उसमें। चलो उतरो। अरे नहीं, बॉस आप सुन रहे हैं? कैसे हो मेरे बच्चों? बस अब कुछ ही दिनों की बात है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जस्टिन ये लो। जल्दी करो। जस्टिन जल्दी करो। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ पर बहुत सारी चाबियां और इस पर कोई निशान भी नहीं है। जल्दी करो, वो यहाँ तक आ गए। जस्टिन जल्दी करो, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जस्टिन जैसे बदसूरत पक्षी को तो मैं एक ही बार में खत्म कर सकता हूँ। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो जा? जस्टिन जल्दी करो। कैसे हो बच्चों? अच्छी खासी दोपहर बर्बाद कर दी तुमने।
छह महीनों से ये जगह एक सुरक्षित जगह थी मेरे पक्षियों के लिए। यहाँ वो शांति से रहते थे। सुरक्षित जगह? तुमने मेरे डैड को मारा है। नहीं लड़की, तुम्हारे डैड ने खुद अपनी मौत को न्योता दिया था जब वो मेरे इलाके में घुस आए थे, और अनजाने में ही वो मेरे प्यारे पक्षियों का खाना बन गए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तुमने तो हमें उस बड़े राक्षस का खाना समझकर परोस दिया था, और ये भी अपराध के दायरे में ही आता है। मैं अपने मकसद के बीच किसी को आने नहीं दे सकता, अंडों से बच्चों के निकलने तक तो नहीं। पागल हो क्या तुम? ऐसे और पक्षी इस दुनिया में लाना चाहते हो? ओहो, बेशक मैं चाहता हूँ। ये आखिरी दो हैं इस प्रजाति के, मैं इन्हें जिंदा रहने में मदद कर रहा हूँ, एक प्रजाति को बचा रहा हूँ। और उन्हें पाल रहे हो इंसानों को उनका खाना बना के? आज जितनी भी जाने यहाँ पर गई हैं वो सब तुम लोगों की वजह से गई है। अब मुझे पूरी दोपहर बैठकर काम करने वाले लोग ढूंढने होंगे। तुम्हें पता भी है ये काम कितना मुश्किल होता है। हाँ, भरोसेमंद काम करने वाले मिलना। हाँ, बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ। ठीक है लड़की, मेरे सवाल का जवाब दो। किसी का मुंह बंद करवाने की कीमत जानती हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे इंसान के लिए उसकी कोई कीमत होगी। अब खाना बनने की बारी तुम्हारी है। हट जाओ। नहीं 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 नहीं। मैं एक ही काम में माहिर हूँ, लड़कों का ध्यान भटकाने में। हमारे पास मौका है, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर कहाँ? अंदर चल के देखते हैं, शायद कोई फोन रखा हो। मुझे नहीं लगता, पर शायद घर के अंदर हो। वो बहुत दूर है, तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगी। तो मुझे जानती नहीं हो, मैं बहुत तेज दौड़ती हूँ। टेलर! नहीं, हमारे पास काफी समय है, पहले अपना पैर दिखाओ मुझे। चिंता मत करो, वो पक्षी इन दरवाजे को तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे जख्म में मिट्टी चली गई है, हमें फिर से पट्टी करनी होगी। मुझे ये जगह थोड़ी ठीक लग रही है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी जगह है? मुझे नहीं पता, लगता है यहाँ अंडों को सिया जाता है। शायद यहीं पे अंडों से बच्चे निकलते हैं। तुम्हारा चाकू ले सकता हूँ? दर्द हुआ क्या? माफ करना। माफी मुझे मांगनी चाहिए। वो ब्रेड के लिए, तुम सबको इस नर्क में लाने के लिए मुझे माफ कर। नहीं 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 मैडी, तुम्हारी गलती नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आज सिर्फ मैंने ही अपना दोस्त गवाया है। हम यहां से निकल जाएंगे, ठीक है? मुझे टेलर की फिक्र हो रही है। मुझे भी। पर अगर मैं सच कहूं तो मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र है वो इंसान अभी इस वक्त मेरे सामने यहां बैठा है। मैंने उसे गर्लफ्रेंड बनाया ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं। मैंने उसके साथ वो कभी महसूस नहीं किया जो तुम्हारे साथ किया। जस्टिन, मुझे माफ कर दो, शायद मैं ही दूर चली गई, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं। मैडी, मैडी, मैं समझ सकता हूं। सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी मॉम के बाद तुम्हारे लिए लोगों के करीब आना बहुत मुश्किल था, पर मैंने भी तुम्हें खुद से दूर जाने दिया। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, पर अब फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि अब फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अच्छा हुआ ये नाइफ हमारे पास था। लगता है हमारी किस्मत उतनी बुरी नहीं है जितना हमें लग रहा था, है ना? सुनो, मैटी,
सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है ये दरवाजा उन्हें रोक पाएगा? हम बस उम्मीद कर सकते हैं। दरवाजा खोल रहा हूं मैं। क्या मुसीबत है, क्यों इतना भौंक रहे हो? यहाँ लिखा है कि सलमन के ये दो पक्षी बगल वाले करीबियन टापू पर मिले थे। वो ट्रिनिडाड में एक जगह खुदाई कर रहा था जहाँ छिपे हुए खजाने की खबर मिली थी, जो वहाँ के लोगों ने इसके दोस्तों को बताया था। पैसा बर्बाद कर रहा था और पैसा कमाने के लिए कमाल है, पर उस खजाने का इन पक्षियों से क्या लेना देना? उन्हें ट्रिनिडाड में कुछ नहीं मिला तो वो आसपास के टापुओं पर खुदाई करने लगे, पर उन्हें दो टापुओं पर ले जाने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ ये पक्षी थे और सलेमन को इसमें बहुत बड़ा मुनाफा दिखा। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे टापू अभी भी बचे हैं। ये तो नक्शे पर है, नावसार और काप्रिया। तो किसी को पता क्यों नहीं चला इन पक्षियों के बारे में? शायद ये टापू बहुत छोटे थे और इन पर कोई रहता भी नहीं था, सिर्फ आसपास के कुछ लोग ही जानते थे, और वो ये भी कहते थे कि उनके पूर्वजों ने सारे पक्षियों को मार दिया, पर आज तक उनके होने का कोई जिक्र नहीं था, तो सबको लगा कि ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर किसी को इन पक्षियों के बारे में पता नहीं था तो हार्वी उन तक कैसे पहुंचा? चारा, उसने पूरे टापू पर बकरियां छोड़ दी और फिर 6 हफ्तों तक नजर रखी कि गायब हो रही हैं या नहीं। दिमाग वाला था। तो खोजी को उसका खजाना आखिर मिल ही गया। इस दुनिया में अब बस ये दो आखिरी बच्चे हैं, जैसा उसने कहा, पर हमें उन्हें मारना होगा। वाह जीव विज्ञानी, तुम समझ रही हो ना कि तुम एक पूरी प्रजाति को खत्म करने की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारी सोच बहुत मिलती है। हमारे पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो देखो, वहां मुझे गाड़ी दिख रही है।
ठीक है, अगर हमें वहाँ हथियार मिल गए तो हम गार्ड से निपट सकते हैं, पर हम इसका क्या करेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। आजा मुझे खा ले। देखा देखा, मैं चीखता हूँ तो किस तरह हमला करता है। अब क्या? तो मैं अपनी चीख को इस फोन पर रिकॉर्ड करूंगा और रिपीट का बटन दबा के जितनी दूर हो सके उतनी दूर फेंक दूंगा। तुम्हें लगता है इससे काम बन जाएगा? कोशिश तो कर ही सकते हैं। ठीक है, पर हमें जल्दी करना होगा। उस पक्षी के वापस आने से पहले हमें कार तक किसी भी हालत में पहुंचना होगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरकीब से हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। ठीक है, तैयार? ए भद्दे जानवर आजा मुझे खा ले। ए भद्दे जानवर आजा मुझे खा ले। ए भद्दे जानवर आजा मुझे खा ले। ये काम क्यों नहीं कर रहा बता? हम इतनी दूर हैं कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लगता है काम बन गया। चलो। ए भद्दे जानवर आजा मुझे खा ले। जल्दी करो, इसमें तो चाबी नहीं है। ऐसा मत कहो, जल्दी करो। मुझे पक्षी दिख नहीं रहा, वो यहीं कहीं है, मैदान में होगा। ठीक है, अगर वो पक्षी हमारी तरफ एक कदम भी बढ़ा तो मैं वापस गाड़ी में आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। चाबी मिली? नहीं, दूसरी जेब में देखता हूँ। क्या सब ठीक है? हाँ। रुको। क्या मतलब रुको? जस्टिन, मुझे लगता है तुम्हें वापस आ जाना चाहिए अभी। बंद करो। ये लोहे का गेट कैसे खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। क्या? हम उसे तोड़ते हुए जाएंगे। पागल हो गए हो क्या? तुम किसी पिक्चर के हीरो नहीं हो, वो गेट मजबूत लग रहा है। जस्टिन रुक जाओ। अरे नहीं, जाओ पीछे देखो, शायद पीछे कोई बंदूक होगी। यहाँ कुछ नहीं है, मुझे डायनामाइट मिला। ठीक है ले आओ। ए बदसूरत भद्दे जानवर, हिम्मत है तो मुझे खा के दिखा, आ जा। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलो चलो। टेस्ट उतना बुरा भी नहीं होगा।